बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल ब्यूटी फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब कैरियर में होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमारी दुआ है आप सब जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आमीन। उसी के साथ ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ नए फ्रेंड्स से जो कि न्यू है मेरे चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। और फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आज हम जो है आलू बाली की रेसिपी बनानी है। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी जो कि हमेशा की तरह बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डाल लिया है, ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया है, फ्लेम हमने बिल्कुल लाइट रखी हुई है। फ्रेंड्स ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है, अब हमने इसमें ऐड करने हैं प्याज। प्याज हमने एक दरमियाने साइज का ले लिया है। और जो भी न्यू मेरे चैनल पर है फ्रेंड्स, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है उनकी आप लेकर आती हूँ। प्याज जैसे हमारे फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैंने इन्हें सब्ज़ मिर्चे ये हम इसमें डाल देंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चे मैंने इसमें डाल दी है, इसको मुझे कवर करते हैं। इसी के साथ ही हम उसमें ऐड करेंगे और गरम मसाला साबित गर्म मसाले ले लिए हैं और इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसमें फ्रेंड्स हमने अदरक लहसुन प्याज सब मिर्चे जो है वो डाल दिए हैं और बिल्कुल अच्छे से जो है रेडी हो गई थी, तो हमने इसमें 1/2 कप पानी डाला है। इसके साथ ही हमने आलू को धोकर यानी कि बारीक बारीक काट लिया है, इसमें हमने इसको डाल दिया है। आलू को हमने लाइट से फ्राई करना है क्योंकि आपको पता है पालक में ऑलरेडी पानी होता है, तो इसलिए जो है हमने आलू को थोड़ा सा पहले यानी कि नॉर्मल सी फ्लेम पर इसको हमने आलू को गला लेना है। आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून जो है सॉल्ट लिया है, नमक, इसके साथ ही लाल मिर्ची है मेरे पास और सूखा धनिया है। अगर मसाला जो है पहले मैंने इसे डाल दिया था, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची का लिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि जो हमें इसमें कुछ मसाले डाले हैं वो अच्छे से डाल दें। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाएं और हम इसमें साथ ही टमाटर भी डाल देंगे ताकि उसी पानी में हमारे टमाटर भी गल जाएंगे। क्योंकि हम सब्जी बना रहे हैं तो ज़्यादा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, जस्ट लाइट लाइट सा आपने उसको सॉटे करना है। आपको पता है पालक जो है बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, विटामिन होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप सब्जियाँ ज़रूर यूज़ किया करें अपनी डाइट में, जो है आलू का भी इस्तेमाल किया करें और पालक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको इंग्लिश में स्पेनिश कहते हैं, कुछ लोगों को उर्दू में समझ नहीं आ सकते हैं इसलिए साथ में बता देती हूँ कि उनको समझ भी आ जाए।
फ्रेंड्स साथ साथ हमने जो है चम्मच चलाते रहना है और साथ साथ इसको मिक्स करते रहना है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। आज मैं पालक में दही यूज कर रही हूँ। दही जी हाँ बिल्कुल, ये आपने आपको कुछ नहीं लग रहा होगा। दही के साथ आप इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर दिए, इससे क्या होगा कि जो पालक का टेक्स्चर है वो थोड़ा सा क्रीम हो जाएगा और जैसे ये पकने के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाती है तो इसमें ऐसा नहीं होगा, उसकी जो एक लुक है उसका टेक्स्चर जो है वो थोड़ा सा क्रीमी टाइप हो जाएगा। उसमें कुछ खास फर्क नहीं आएगा उसके जायके में, लेकिन वो लाइट सी क्रीमी हो जाएगी, उससे जो है वो थोड़ी सी आपको और भी अच्छी यानी कि खूबसूरत दिखेगी। ओके जी, हमारे जो टमाटर हम इसमें ऐड किए हैं वो गल चुके हैं। अब हम इसमें योगर्ट यानी कि दही ला रहे हैं। ये घर का दही है, आप चाहें तो डब्बे वाला हलवा वाला भी ले सकते हैं। दही हमने डाल दिया है, दही को करना है अच्छे से मिक्स। क्या बात है, दही डालने के बाद हमारा जो मसाला था वो और भी खूबसूरत हो गया है और बहुत ही मजे की खुशबू भी आ रही है। आलू भी हमारे तकरीबन गल चुके हैं। लास्ट में हमने पालक को अच्छे से धोकर इसको हमने रख दिया था ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। इसी के साथ ही हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने सारी पालक इसमें ऐड कर देनी है। नमक की मिकदार थोड़ी सी कम रखें क्योंकि ऑलरेडी पालक में भी नमक होता है। आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, जस्ट आपने इसको 30 सेकंड के लिए छोड़ देना है ताकि इसका जो इसकी जो स्टीम है वो ढक्कन में कलेक्ट हो जाएगी, तो उसके साथ ये खुद बहुत आलू सर्विस हो जाएगी। फाइनली फ्रेंड्स 30 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो ये देखें पालक है बिल्कुल वो खुद खुद जो है आलू के साथ मसाले के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो गई है। इसमें जो एक पुलाव था यानी कि वो अगर आप चम्मच चलाएंगे तो वो इधर उधर बिखर जाएगी, तो इससे बेहतर है कि आप उसको छोड़ दें, वो खुद खुद जो है मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है। अभी इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर है क्योंकि आपको पता है पालक में भी पानी की जो एक्स्ट्रा मिकदार होती है। फ्रेंड्स ये देखें 40 से 50 सेकंड हो चुके हैं, हमारी जो पालक है वो अच्छे से जो है मसाले में मिक्स हो गई है। इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। हमने इसमें कुछ भी यानी कि पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, ये इसका अपना ही पानी है, उसमें ये अच्छे से गल जाएगी। आलू और पालक की सब्जी है हम डिश आउट कर ली है, बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मजे की बहुत ही अच्छी से बनी है। आपने इसको जरूर ट्राई करना है और हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको हमारी सब्जी कैसी लगी। और फ्रेंड्स उसके साथ ही मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आप पालक को ढाम कर बनाएंगे तो आपकी पालक का जो जायका है वो और भी दोबारा हो जाएगा और भी लजीज बनेगी आपकी आलू और पालक की सब्जी। सो फ्रेंड्स इसी के